करना चाहेंगे JOAIT पोस्ट कोड 817 से जुड़ी, क्योंकि इन्होंने भी आंदोलन को लेकर यहाँ चेतावनी दे दी है। दरअसल इनकी ओर से आज प्रेस वार्ता बुलाई गई थी 2018 से लेकर, क्योंकि इनकी भर्ती प्रक्रिया चली हुई है, लेकिन यहाँ रिजल्ट घोषित नहीं हो पाया है। तो इनकी ओर से साफ तौर से ये चेतावनी सामने आई है कि जल्दी इनका रिजल्ट घोषित होना चाहिए ताकि इन्हें नियुक्ति प्रदान की जा सके। अगर ऐसा नहीं होता है तो उग्र आंदोलन करने पर ये कहीं ना कहीं मजबूर हो जाएंगे। जो तारीख इनकी ओर से दी गई है वो 24 सितंबर की है। इन्होंने ये कहा है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अगर 24 सितंबर तक ये भर्ती प्रक्रिया शुरू करवा देते हैं या पूरी करवा देते हैं तो फिर ये उसके बाद चांदी के सिक्कों से तोलेंगे मुख्यमंत्री को, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर 26 सितंबर को बड़ा आंदोलन इनकी ओर से यहाँ किया जाएगा। इसी के अतिरिक्त इन्होंने ये मांग भी की है कि अगर 24 सितंबर को ये भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो 30 सितंबर तक इन्हें यहाँ पर नियुक्तियां भी प्रदान कर दी जाए, क्योंकि आचार संहिता लागू होने वाली है तो ये काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं कि कहीं ऐसा ना हो इनका मामला भी लटक जाए। और 2018 जैसा कि हमने कहा तब से लेकर ये यहाँ इंतजार में बने हुए हैं। फिलहाल ये ऐसे बेरोजगार युवा हैं जिन्हें इतना ज्यादा संघर्ष करने के बाद भी यहाँ पर दर बदर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। वहीं स्थिति को लेकर आपको जानकारी देना चाहेंगे, क्योंकि एंटिटी संघ की इन महिलाओं ने चेतावनी दे दी है सरकार को भी, फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी और शिक्षा विभाग को भी। इनका ये कहना है कि हर बार इनका मसला चर्चा में रहता है लेकिन कैबिनेट में भी ये ड्राफ्ट जाता है, लेकिन इसी बीच देखने में ये आता है कि ड्राफ्ट पर कुछ एक आपत्तियां यहां फाइनेंस डिपार्टमेंट की ओर से जताई जाती है और ड्राफ्ट वापिस हो जाता है, इनके ड्राफ्ट को फिर मंजूरी नहीं मिल पाती है। अगर एक बार फिर से ऐसा ही अगले कल होता है या फिर इन्होंने समय दिया है 27 सितंबर की कैबिनेट बैठक को भी, अगर इसी तरह का मसला एक बारी फिर सामने आता है कि इनके ड्राफ्ट को लेकर कई तरह की आपत्तियां जताई जाती हैं और मंजूरी नहीं मिलती है भर्ती को लेकर, तो फिर ये सड़कों पर उतरने के लिए विवश हो जाएंगी। दूसरी बात इन्होंने ये की है कि अगर कल की कैबिनेट बैठक में ये मसला चर्चा में नहीं आता है और इनके ड्राफ्ट को मंजूरी नहीं मिलती है तो शिक्षा विभाग का घेराव करने के लिए भी ये 15,000 के करीब महिलाएं अब तैयार हैं। एक और मांग इनकी ओर से की गई है कि जिनके पास एक वर्ष का डिप्लोमा है उन्हें भी इस भर्ती में पात्र माना जाए, क्योंकि अधिकतर ऐसी महिलाएं हैं जिनके पास 2 वर्ष का डिप्लोमा नहीं है। दूसरी ओर अगर NCTE के आदेशों को लेकर बात करें तो उसमें तो साफ तौर से ये कह दिया गया है कि 2 वर्ष का डिप्लोमा ही इसमें मान्य होगा, लेकिन फिलहाल 775 के करीब क्योंकि ये भर्तियां होनी है, 10,800 इनका फिक्स इसमें वेतन किया गया है जो कि प्रस्ताव भेजा गया है प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से और शिक्षा सचिव के पास, क्योंकि ये ड्राफ्ट काफी पहले आ गया था और अब इसे कैबिनेट में पेश किया जाएगा सूत्रों के हवाले से जो हमें जानकारी मिली है। लेकिन किस तरह की चर्चा इस बार होती है ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि पिछली बार भी पॉलिसी में कुछ एक अमेंडमेंट्स करने के लिए यहां पर कहा गया था। अगली बात SMC शिक्षकों को लेकर करना चाहेंगे, राहत भरी खबर इनके लिए भी निकलकर सामने आ चुकी है, हालांकि इसे लेकर पहले ही कैबिनेट में मंजूरी मिल गई थी लेकिन अब अधिसूचना जारी हो चुकी है। कैजुअल लीव को लेकर यहाँ ये मांग कर रहे थे माह में एक अवकाश इन्हें मिलेगा। इसके अतिरिक्त जो महिला शिक्षक है SMC में इन्हें 6 माह का मातृत्व अवकाश मिलने वाला है, ये भी एक राहत भरी खबर कहना चाहेंगे, क्योंकि बाकी शिक्षकों के तर्ज पर यहाँ ये सुविधाएं मांग रहे थे। और सबसे बड़ी बात ये है कि क्लॉज 9 और 10 को डिलीट कर दिया गया है, यानी कि अब इन्हें एक्सटेंशन नहीं लेना पड़ेगा अपनी सेवाओं को जारी रखने के लिए। वहीं JBT बैचवाइज भर्ती को लेकर भी हम जानकारी लेकर आए हैं और अब इस भर्ती को लेकर क्लियरेंस मिल चुकी है JBT प्रशिक्षकों के लिए, राहत भरी खबर हम ये कहना चाहेंगे। दरअसल मंडी के जो डेप्टी डायरेक्टर हैं उनकी ओर से 2 क्वेरीज इसमें लगाई गई थी और इसका जवाब देते हुए प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक ने साफ तौर से ये कहा है कि जितने पदों पर यहां काउंसलिंग हो चुकी है जल्दी ही उनका रिजल्ट घोषित कर दिया जाए, डेडलाइन इसके लिए 30 सितंबर दी गई है ताकि जल्दी ही आचार संहिता से पहले पहले इन्हें नियुक्तियां भी प्रदान की जा सके। एक तो ये बात कही गई है, दूसरी चीज क्योंकि यहां पर ये JBT टेट और TGT टेट को लेकर सवाल उठ रहा था तो इसमें ये क्लियर किया गया है कि JBT बैच वाइज में उन्हीं BA BSc BEd को नौकरी दी जाएगी जिनके पास JBT का टेट होगा। प्रदेश भर में क्योंकि ये 474 के करीब पद हैं जिन पर भर्ती होने वाली है तो एक तरह से हम कहना चाहेंगे कि बैच वाइज आधार पर जो ये भर्ती होनी है इसके लिए JBT प्रशिक्षकों का इंतजार खत्म हुआ है। से शास्त्री भर्ती पर आज हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि शास्त्री भर्ती में बीएड धारकों को राहत नहीं मिलेगी। हाई कोर्ट ने इसकी याचिका खारिज कर दी है। बीएड अनिवार्य करने की मांग कर रहे थे 19 फरवरी 2020 को, इसे लेकर चुनौती हाई कोर्ट में दी गई थी क्योंकि यहां पर प्रार्थियों ने आरोप लगाया था कि शास्त्री भर्ती में बीएड अनिवार्य नहीं है, ये भर्ती NCTE दिशा निर्देशों के विपरीत है, शिक्षा व मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद आज हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने
ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि इसमें राहत नहीं दी जा सकती, इस पिटीशन को खारिज कर दिया है और इस फैसले के बाद हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से लटकी यहाँ पर शास्त्री भर्ती का रास्ता अब साफ हो गया है। इसी प्रकार से कम से कंप्यूटर शिक्षक भर्ती मामले की सुनवाई टली है, इस पर भी हाईकोर्ट का आज हाईकोर्ट की आज सुनवाई होनी थी। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ में ये मामला था लेकिन अंतिम सुनवाई के लिए इसे सूचीबद्ध किया गया था, समय के अभाव के चलते इसकी सुनवाई को अब आगे टाल दिया गया है। कंप्यूटर शिक्षकों ने R&P रूल्स को चुनौती दी है, इसमें 5 वर्ष अनुभव को भर्ती के लिए योग्य शर्त रखी गई है। 2013 में प्रशासनिक ट्रिब्यूनल स्थगन आदेश दिए थे और इसके बाद ही भर्ती नहीं हो पाई थी। बहरहाल अगली सुनवाई में अदालत इस पर कोई फैसला सुना सकता है।